हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रैकर्स में आपका। फ्रेंड्स, यूपी टेट 2020 का सॉल्व पेपर में लेके आ चुका हूँ, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इस पेपर में 150 out of 150 क्वेश्चन सारे के सारे इस क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे, जो कि अपर प्राइमरी लेवल, जो कि सेकेंड पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए हम उस पर डिस्कस करेंगे और पूरा आंसर की देखेंगे और आपके साथ वार्तालाप करेंगे कि आपका कितना आया है करेक्ट क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए आप अपना मिलाप कर लीजिए फ्रेंड्स 1 से लेके 150 क्वेश्चन तक, कि आपके टोटल नंबर कितने बन रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी विनती, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। यूपी टेट या और भी कोई भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी विनती कि वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो में चैनल में नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, चाइल्ड डेवलपमेंट टीचिंग मेथड से, बाल विकास एवं शिक्षण विधि से। तो देखिए फ्रेंड्स, निम्नांकित में से कौन सी समस्या समाधान में बाधक नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सूझ, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक संवेग है? तो देखिए फ्रेंड्स, दो का आंसर हो जाएगा स्मृति, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, FISACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? तो 3 का हो जाएगा मॉरिसन, जो कि 4 नंबर हो जाएगा। निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक, प्रश्न पूछने से में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 4, अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसको कहते हैं उद्भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अर्थविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 2, जो कि सही उत्तर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में पूछा गया सूक्ष्म शिक्षण क्या है? तो फ्रेंड्स 9 का सूक्ष्म शिक्षण प्रभावशाली शिक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 का देखिए फ्रेंड सूची ए, इसमें मिलाप करना है, मैच द फॉलोइंग करना है, मैच करना लिस्ट ए बी को। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 का करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से 3, जो कि ए का होगा 4, बी का होगा 2, सी का होगा 1 और डी का होगा 3, ठीक है, मिलाप कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? 11 का हो जाएगा करेक्ट आंसर 3, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? 12 का हो जाएगा करेक्ट आंसर 1, क्रिया प्रसूत व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानी की में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, प्रत्यय अधिगम। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है, किसका उदाहरण फ्रेंड? तो 4 नंबर हो जाएगा समापन कौशल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो ये फ्रेंड्स कितना नंबर हो गया, 14 नंबर, 14 नंबर में आ गए हैं हम लोग। 14 नंबर के बाद आया 15 नंबर, तो 15 हम लोग देख लेते हैं, 15 कहाँ है हम लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे माफ़ करिएगा, 15 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है इस पेपर में। मैंने इसका पेपर का फोटो क्लिक नहीं किया 14 के बाद 15 का। तो 23 से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में से शामिल नहीं है? तो सादर्शिता का, देखिए इसमें 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। लेकिन फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, मैं 15 का बता देता हूँ, 15 का ऑप्शन में अगर आपने टिक किया है तो 15 का 3 हो जाएगा, 16 का 3 हो जाएगा और 17 का 1 हो जाएगा और 18 का 1 हो जाएगा, ठीक है, 19 का 1 हो जाएगा और 20 का 4 नंबर ऑप्शन होगा, 21 का 1 नंबर ऑप्शन होगा, 22 का 3 नंबर होगा, ठीक है, और 23 का मैं बता दूं करेक्ट आंसर, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2, जो कि बहु प्रतिक्रिया का अधिनियम। 23 हो गया। 24, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1, 36 अंतरण, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 4, डिसकैल्कुलिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, व्याख्यान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 का क्या हो जाएगा, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष में निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, आग्रहण। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, परावर्ती स्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ब्रांड, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं डैश के बीच की संगति है। 29 करेक्ट आंसर हो गया ब्रांड 3 अनुक्रिया। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? तो फ्रेंड 30 का करेक्ट आंसर हो गया ब्रांड 2 समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हिंदी के बारे में बात करते हैं फ्रेंड। हिंदी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए? मिट्टी का माधव होने का अर्थ क्या होता है फ्रेंड? तो मिट्टी का माधव होने का अर्थ कृष्ण की मूर्ति। तद्धति का संधि विच्छेद क्या होगा फ्रेंड? तो तद्धति का संधि विच्छेद तत् प्लस हित 3 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 का उद्विगन का संधि विच्छेद क्या होगा फ्रेंड? तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाना है 4 उत प्लस विन। ठीक है, विघ्न ये शायद सही होना चाहिए, मेरे हिसाब से 3 होगा सही, आप देख लीजिए मिलाकर। ठीक है, बीति विभावरी जागरी ये 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1, जो कि यमक हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये अलंकार पूछा गया है, कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार। इसमें 35 का कौन सा अलंकार होना चाहिए? 35 का करेक्ट आंसर होगा 3, जो कि यमक अलंकार ही होगा इसमें भी। देखिए 36 का क्वेश्चन क्या पूछा गया, कौन सा एक शब्द एकवचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है? 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, मुनि। तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? 37 का करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से 2, जो कि 8 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, नी प्लस खरा निखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, जो कि दौड़ धूप। सिर पर सवार होना, सवार रहना, मुहावरे का अर्थ क्या है? 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, पीछे पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 40 हो गया, अभी देखिए फ्रेंड्स 41 का देखते हैं। वो बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? तो 41 करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 2, जो कि निश्चय वाचक सर्वनाम। मनोहर जीवन भर पूरा पूरा सुख भोगता रहा, इनमें से कौन सा विशेषण है? तो इनमें से बताना है कि आपको कौन सा विशेषण है। 42 का करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से 4, जो कि सार्वनामिक विशेषण। दादा और जीव के स्पर्श में से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1, मूर्धन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में से कौन सा शुद्ध है? तो 44 करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, मा ओष्ठ कोमा सघोष। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाण का पर्यायवाची नहीं है, बाण का पर्यायवाची नहीं है। 45 का क्या पूछा गया? बाण का पर्यायवाची तो सिलीमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 46 का उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, स्वपरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोग वाह कहा जाता है, किसको कहा जाता है? 47 को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो 1, अल्पप्राण को। इसे फ्रेंड्स सुमेल करना है, अर्थात मिलाप करना है। 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, जो कि बी सी डी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 49, निम्न में से भाववाची का उदाहरण क्या है, कौन सा है? इसमें बताना है आपको चारों में से ऑप्शन। 49 करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1, अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। और यहाँ पर नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें से केवल 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 51 का करेक्ट आंसर पूछा गया। 51 का क्या पूछा गया? काला ये आपको पढ़ना था, गद्यांश को पढ़ने के बाद पूछा गया था, कला और जीवन अन्योन्याश्रित है, का तात्पर्य क्या है? तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 3, जो कि एक दूसरे पर आश्रित है। 52 का कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, जो कल्पना पर आधारित होता है। 52 हो गया। 53 के बारे में बात करते हैं, यह इस पद का पद में कौन सा भाव है? तो 53 का करेक्ट आंसर हो गया 4, मधुर भाव। यह पद्यांश किस कवि का है? तो करेक्ट आंसर हो गया फ्रेंड्स 54 का करेक्ट आंसर होगा 4, नाभादास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 का पूछा गया, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? तो चांदनी चौक की कौन सी संज्ञा है? तो 3 हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? 56 का करेक्ट आंसर 4, कृति अपकृति। सुमेल करना है फ्रेंड्स, सुमेल करना है, तो इसमें देखिए फ्रेंड्स 57 का करेक्ट आंसर होगा 1, डी सी ए बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, जो कि वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 59 का करेक्ट आंसर पूछा गया, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाए 3, अधिकरण। आयुष्मान का स्त्रीलिंग पूछा गया, तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग हो जाए फ्रेंड्स आयुष्मयी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 61 का, ठीक है 61 देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं बता दूँ 61 का, बता देता हूँ मैं कि आपको कौन सा है इसमें देखना है। तो इंग्लिश का पार्ट है 61 से, तो 61 का पार्ट देते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, तो सरदार पटेल डैश द फार्मर ऑफ बर्दौली इन देयर फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो ये अंग्रेजी का हो जाएगा। तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, लीड। चूज द मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर को चूज करना है। 62 का 4 हो जाएगा पीएन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ रिक्वेस्ट, 63 करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, हाउ फास्ट यू कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 का क्या क्वेश्चन पूछा गया, डज नॉट हैव साइलेंट लेटर लेटर्स, तो 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1, साइकोलॉजी। विच कंजक्शन विल द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, 65 का करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से 4, जो कि देन होगा। विच द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज बीन पंक्चुएटेड करेक्टली,
66 के करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स टू, जो कि रेनू सेड गिव मी अ पेन अ पेंसिल एंड ए बुक। 67 करेक्ट आंसर क्या पूछा गया फिर फिल इन द ब्लैंक्स, इस पे अल्टरनेटिव चूज करना है, करेक्ट करना है तो 67 करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दो, जो कि नोबडी। द एंटोनिम जस्टिस इज ऑब्वियसली, जस्टिस का क्या हो जाएगा एंटोनिम, इसका मतलब उल्टा, मतलब जस्टिस क्या हो जाएगा, 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फोर, डिस ऑब्वियसली सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, एड्रॉइट, एड्रॉइट का सिनोनिम्स पूछा गया तो थ्री हो जाएगा ऑब्वियसली क्लेवर। विच अल्टरनेटिव इज करेक्ट इंडिरेक्ट फ्रॉम द सेंटेंसेस, ही सेड टू मी व्हेन विल यू कम बैक, 70 होगा हो जाएगा करेक्ट आंसर फोर, जो ही आस्क्ड टू मी व्हेन आई वुड गो बैक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू एक्टिव वॉइस, 71 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वन, जो कि हो जाएगा फ्रेंड्स द बर्ड वॉज किल्ड बाय अ क्रूअल बॉय, तो द क्रूअल बॉय वॉज किल्ड बाय द बर्ड, वॉज किल्ड द बर्ड सॉरी। Change the following sentences into passive voice. Passive voice means change करना है friends, तो 72 का हो जाएगा, he kept me waiting, तो I was waited by him. With the following, which of the following sentences has a modal verb? तो 73 का correct answer हो जाएगा friends, 3 seeing in believing. 74 का correct answer क्या पूछा गया friends, fill in the blanks, इसमें alternative को भरना है, तो he solved all the questions with 74 correct answer हो जाएगा 2, जो कि is. फिल्म इसमें प्रोनाउन को करेक्ट फॉर्म में लिखना है, तो रामा एंड डैश वेयर प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें 75 करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से 1, जो कि बोथ 3 एंड 4 ठीक, आई एंड मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 75 हो गया, अभी 75 होने के बाद हम लोग क्या करेंगे 76 ठीक है। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड इंजीनियस ठीक है, इंजीनियस का पार्ट पूछा गया, लेकिन अभी हम लोग हिंदी के कुछ क्वेश्चंस संस्कृत के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, संस्कृत का भी हम लोग पढ़ लेंगे ठीक है। तो संस्कृत के पढ़ने के पहले मैं इंग्लिश कंप्लीट कर लेता हूँ ठीक है। 76 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 76 का हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका 4, जो कि प्रोनाउन है। 77 का पूछा गया फेमिनिन जेंडर ऑफ द वर्ड बैचलर, तो 77 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स 3 स्टेबर्ड। 78 का पूछा गया तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 4, जो कि दिस बॉय डू नॉट प्ले फुटबॉल, ये नेगेटिव वन में पूछा गया। 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा, वर्ड मधुसूदन नोज How to cheat ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 80 का क्या क्वेश्चन पूछा गया, 80 में सफिक्स पूछा गया है, प्लुरलाइज फॉर्म में पूछा गया है, तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 REN। 81 का क्या पूछा गया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अटर, अटर का मीनिंग क्या होता है, जो हम लोग अटर करके बोलते हैं उसको अटरिंग बोलते हैं, अटरिंग वर्ड, तो उसको क्या 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 स्टिफल। व्हाट इज द मूड ऑफ द पोएट, पोएट का मूड क्या है, तो 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, जो कि बोथ है 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 83 का, इसमें भी आपको पढ़ लेना था, और इसमें फ्रस्ट्रेटर इन द पैसेज, पैसेज में फ्रस्ट्रेटर का वर्ड कहाँ पर ऑपोजिट वर्ड में लिखना है, तो 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1, जो कि एग्जीक्यूटर। ड्रास्टिक का पैसेज मींस पूछा गया है, तो 84 का करेक्ट आंसर होगा 4 कंसिस्टेंट। 85 का पूछा गया तो 85 का करेक्ट आंसर 8 होगा ठीक है, अब इसमें मिला कर देख लीजिएगा। 86 का क्या हो जाएगा पूछा, 86 का पूछा गया दो, इसमें से प्रिया इज नॉट डैश फॉर द काइंड ऑफ ए जॉब, तो कट इन ठीक है 86 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 का क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग नाउंस इज अ मटेरियल नाउंस, तो 87 का करेक्ट आंसर है 3 आयरनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल सेंटेंस, तो 88 का हो जाएगा करेक्ट आंसर 4, गिव मी 4 5 रुपीस नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 का क्या पूछा गया था, आइडेंटिफाई करना है सब वर्ब को इन द फॉलोइंग, एवरी बॉय अलॉन्ग विद हिज पेरेंट इज वेटिंग इन द नेक्स्ट रूम, 89 करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, जो कि हिज पेरेंट्स। With the following sentence has an adjective clause, adjective clause के बारे में पूछा गया था, तो 90 हो जाएगा करेक्ट आंसर 2, I bought a chain which was beautiful, 90 हो गया। अब हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे फ्रेंड्स, संस्कृत के क्वेश्चंस को देखेंगे, संस्कृत का पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अक्षत क्रियापद में प्रयुक्त लकार है, तो 861 का करेक्ट आंसर होगा 1, जो कि लिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 का करेक्ट आंसर क्या पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर 1, जो कि श्लेष हो जाएगा। नीति शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या गया क्या होगा, तो 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, वत ठीक है सॉरी कत। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रिया श्रिया शब्द में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी हो जाएगी, 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, प्रथमा। अविभाव अव्ययी भाव समाज का उदाहरण नहीं है, तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, जो कि सूक्ष्मोत्तम है। मयूरा नृत्यंती वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा, 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 66 का करेक्ट आंसर क्या होता है ये फ्रेंड्स 66 का बता दूं मैं आपको, तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका देख लीजिएगा इसमें, तो 66 का आपका जो है ना
करना है टॉप, ठीक है, 67 टू जो कि द्वितीय हो जाएगा, ठीक है, इसका आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 अकरेटेंस हो जाएगा, पीएसटी पद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन से, तो 68 अकरेटेंस हो जाएगा फ्रेंड्स वन जो कि आ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 का हो जाएगा करेक्ट आंसर वन, मैं फटाफट क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। 70 का हो जाएगा फ्रेंड्स वन, 71 का हो जाएगा आपका वन, और 72 का होगा थ्री, 73 का होगा फोर, और 74 का होगा वन, 75 का हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का वन, 76 का पूछा गया तो टू हो जाएगा। और बता दूं मैं अभी, देखिए मैं हम लोग इंग्लिश का देखिए, 77 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 77 का हो जाएगा वन, ठीक है। 78 का हो जाएगा, 78 का हो जाएगा वन, और 79 का हो जाएगा फोर, ठीक है। 80 का हो जाएगा वन, और यहाँ पर देखते हैं हम लोग 81 का क्या हो जाएगा फ्रेंड, 81 का हो जाएगा टू, और 82 का हो जाएगा, इसमें से देख के मिला लेते हैं, 82 का हो जाएगा वन, ठीक है। 83 का देखिए फ्रेंड्स, 83 का टू हो जाएगा, नास्तिक कस्य, ठीक है। 84 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फोर, अद्भुतस्य। 85 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, थ्री, महाकविदंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 अंतर के लेखक कौन है, 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दो, भारवी। 87 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 87 का हो जाएगा दो, हस्व। शीघ्रम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, 88 का हो जाएगा फ्रेंड्स, द्रुत, द्रुतम। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 89 का हो जाएगा फोर, जो कि पंचमी और पष्टी समय दोनों विपुल धन में धन में प्रयुक्त समास है। 90 का हो जाएगा फोर, द्वंद। अब बात करेंगे फ्रेंड्स हम लोग मैथ साइंस और सोशल स्टडीज के बारे में, मैथ साइंस और सोशल स्टडी के बारे में। तो सोशल स्टडी का हम लोग पार्ट टू के बारे में पढ़ लेते हैं, पार्ट फोर है ये, देखिए हम लोग फटाफट कर लेते हैं। तो 91 का हो जाएगा फ्रेंड्स, फटाफट हम करते हैं, तो 91 का हो जाएगा फ्रेंड्स फोर, क्योंकि सोशल स्टडी हम लोग पढ़ रहे हैं, 91 का होगा फोर, बिलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 का हो जाएगा फ्रेंड्स, 92 का होगा थ्री, बलवन। देखिए 93 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वन, जो कि वन टू थ्री फोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 94 का, 94 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फोर, मैडम भिकाजी कामा। 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फोर, बिंदुसार। 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वन, जो कि प्रभार, प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं, ये गणित आ गया तो हम लोग इसके पहले हम लोग सोशल खत्म कर लेते हैं। 96 हो गया, 96 होने के बाद 97 का क्या पूछा गया, तो 97 हो जाएगा करेक्ट आंसर फोर, जो कि कायथा संस्कृति। मौर्य समाज की स्थापना के पहले समस्त समस्त उत्तरी भारत में विभक्त था। 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड दो, 16 महाजनपद व गौंड राज्यों में। 99 करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वन, जहांगीर हो जाएगा। आराम बाग अधो लिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था, ऑब्वियसली सबको पता है फ्रेंड, जहांगीर ने बनवाया था। 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो 100 का करेक्ट आंसर फ्रेंड दो, गांधी जी ने। पूर्ववर्ती नदी है कौन सी, पूर्ववर्ती नदी फ्रेंड्स एक हो जाएगा गोदावरी। पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं फ्रेंड, तो क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल, सॉरी फ्रेंड्स इसमें आपका जल मंडल होगा बाह्य परत को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 103 का निम्नलिखित कौन सी गर्म धारा है, तो 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फोर, जो कि लैब्राडोर धारा। 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका थ्री, ठीक है, थ्री हो जाएगा जल परिवहन। 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स थ्री, जो कि नासिक में है, स्वेज नहर जोड़ती है किसको किसको। 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फोर, लाल सागर को अरब सागर से, ठीक है। 90 अभी देखते हैं फ्रेंड्स, 90 हो गया, कहाँ तक हुआ था, 106 तक, ठीक है। 107 का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, 107 का क्वेश्चन का आंसर थ्री हो जाएगा, इसमें से केवल सी होगा करेक्ट आंसर। 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वन, जो कि प्रायद्वीप पर ठार हो जाएगा। 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फोर, भूमिगत जल। 110 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स थ्री, मध्य मंडल, ठीक है। 111 का क्वेश्चन क्या पूछा गया फ्रेंड्स, हमारे संविधान मूल कर्तव्य कब लाया गया था, तो 111 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दो, 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम पंचायत राज के गठन किस वर्ष हुआ था, तो 112 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्री, जो कि 1968 में। कौन सा संविधान 73वें संशोधन में सम्मिलित है, तो 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फोर, नगर निगम। तो देखिए फ्रेंड्स फोर में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नगर निगम तो छोड़कर जितने भी हैं सारे के सारे, तो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 113 हो गया फ्रेंड्स, 113 होने के बाद क्या पूछा गया, 114 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या, फोर, जिसमें राज्य और केंद्र को, ठीक है। भारत संविधान के अनुसार निम्नलिखित से कौन अविशिष्ट शक्ति प्रदान की गई है, 114 का होगा फोर। 115 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 115 का करेक्ट आंसर थ्री, जर्मनी में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो फ्रेंड्स 116 का करेक्ट आंसर 31। लुक इस पॉलिसी एम एक्ट इस पॉलिसी में प्रदर्शन कब हुआ, तो 117 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2 नवंबर 2014 में। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है किसमें, 118 के 12वीं अनुसूची में।
संविधान सभा का संविधानिक सलाहकार कौन था? तो 119 का ऑब्वियसली पता है फ्रेंड्स के ए मुंशी। मुझे देखिए मेरे हिसाब से देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन अभी देखिए मुझे डाउट है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत संसद के सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो 120 करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, दो सार्वजनिक उपक्रम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है फ्रेंड्स, तो 121 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स थ्री, जो कि फॉरवेयर हायर। निम्नलिखित से कौन सा अर्जुन पुरस्कार विजेता है? 322 का करेक्ट आंसर दो, विशेष भगवंशी। मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? मनोरंजन होते हैं 123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फोर, जो कि आठ प्रकार के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? तो 124 का हो जाएगा फ्रेंड्स थ्री, वज्रासन। प्रथम बराष्ट्रीय खेल पर विश्वविद्यालय कहाँ खोली गई? तो 125 का करेक्ट आंसर दो, मध्य प्रदेश में। अरहर की संकर किसमें है? 126 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स तीन या चार में से, देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, मुझे दोनों में से डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वन, आंध्र प्रदेश में सोयाबीन राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर कितना गया है फ्रेंड्स 127, ठीक है 127। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 128 का क्या क्वेश्चन पूछा गया है? 128 का हो जाएगा करेक्ट आंसर दो, जो कि ट्रक गार्डनिंग हो जाएगा। 129 करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वन या फोर, इन दोनों में से आप देख लीजिएगा कौन सा करेक्ट है, मुझे दोनों में डाउट है। इसमें से बाघ लगाने वाली कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो 130 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फोर, जो कि समोच्च। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? 131 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स टू, जो कि कार्बोज। निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो 132 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 132 का करेक्ट आंसर टू, उबालना। ट्रिप्सिन एंजाइम की किस क्रिया में सहायक होता है? तो 133 का करेक्ट आंसर हो जाए तो थ्री, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में। चेचक के विषाणु का नाम बताइए तो फ्रेंड्स 134 का करेक्ट आंसर हो जाए फोर, 134 का करेक्ट आंसर हो जाए फोर, जो कि विब्रियो कॉलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है? 135 का करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स वन, टांग की हड्डी टूटने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, 135 हो गया, 135 हो गया, 136 में देखिए संपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी, किसमें की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स इस 136 जो हो गया करेक्ट आंसर आपका 136 का, ये देखिए सोशल स्टडी का टू हो जाएगा करेक्ट आंसर, मानव विकास रिपोर्ट। 137 का देखिए फ्रेंड्स 137 का टू हो जाएगा, घड़ियाल राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो 138 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें भी मुझे डाउट है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। 1986 मेरे हिसाब से लग रहा है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? तो 139 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फोर, सभी को पता है ये हरित गृह देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट में प्रभाव नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स थ्री, कीटनाशक रसायन। 141 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 141 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड टू, तेल कमी तथा सफाई नहीं करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 141 हुआ है, 142 देखिए वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी की कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? तो 142 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड टू, रिकेट्स। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व तो कौन सा है? तो 143 का करेक्ट आंसर वन, लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 का ऑब्वियसली, 144 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 144 का वन हो जाएगा, आज के यूरोप में हर्बर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स टू, करके सीखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स थ्री, 12 में, ठीक है। 147 करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वन, अमीर खुसरो। राग भैरव का गायन गायन समय क्या है? तो 148 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर, सायकाल में। 149 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फोर, देखिए फ्रेंड्स इसमें 15:1। विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षिक अनुपात को क्या कहते हैं? तो 150 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर, मृदा कणाकार, ठीक है। अभी हम लोग अब बात कर रहे हैं फ्रेंड्स मैथ्स और साइंस के, मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस को हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स के क्वेश्चन से, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देखिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का 91 का मेरे के हिसाब से 110 डिग्री होगा करेक्ट आंसर। 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स थ्री, जो कि हो जाएगा 270। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स थ्री, जो कि 2 3 3 रेस्ट पावर 40। 94 का करेक्ट आंसर 1 90 डिग्री। 95 का करेक्ट आंसर होगा 3 1। समीकरण दे रखा है जिसमें आपको कथन सत्य बताना है, तो कथन सत्य क्या होता है इसके दो हल हैं। 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए 97 में पूछा गया, 97 का करेक्ट आंसर होगा 3 और 4, ठीक है 97।
ठीक है, 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसमें से रूट ओवर 3/2। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नेट 98 हो गया फ्रेंड्स, 99 से देखिए 99 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा। आपने क्या किया, हमें कमेंट करते रहिए भाई लोग, जितना कमेंट करोगे उतना आपको फायदा होगा। और देखिए फ्रेंड्स, पूरा यूट्यूब बता रहा हूँ, पूरा यूट्यूब में आपको कोई भी वीडियो का पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करने वाला है यूपी टेट का, जो कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और मैं जितने भी भाई बंधुओं को जानता हूँ सभी पेपर के लिए उत्सुक रहेंगे, लेकिन मैं क्या करता हूँ सभी का पीडीएफ बना के प्रोवाइड कर देता हूँ फ्रेंड्स। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक लिंक मिलेगा, एक लिंक क्लिक से इसको डाउनलोड कर लीजिए फ्रेंड्स। बहुत ही आसान ट्रिक है फ्रेंड्स, इसमें कोई भी आपके एक पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपको पीडीएफ सहित पेपर मिल जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप पेपर का तैयारी करने वाले हो, किस लेवल का पेपर का तैयारी होगा इसके बारे में जानकारी लेना है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फायदा यह मिलेगा, आपको सभी के सभी जानकारी मिलते रहेंगी और सारे के सारे जानकारी के साथ साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड होते रहेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स आगे भी क्वेश्चन हमारे साथ देखते रहिए। 99 का क्वेश्चन हो जाए फ्रेंड्स मेरे हिसाब से 100 का क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का आंसर हो जाए फ्रेंड्स 4। इसमें देखिए -5/3 और -4, 101 का करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स 1, जो कि √2, 1 और √3। 102 का करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स 2, 1200 रुपये क्रय मूल्य है। 103 का करेक्ट आंसर हो जाए 1, ये आपका एक बताया है BC² AC² और AB² डायरेक्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया क्लास 10 का या 12 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो, ट्राइंगल के क्वेश्चन में है। 104 का करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड 2 m/4 min। 105 का करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड 4, जो कि 2। यदि किसी गोली की त्रिज्या 50% की वृद्धि की जाए तो इसके पार्श्व क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो 106 का करेक्ट आंसर हो 1 200%। 106 हो गया फ्रेंड्स, तो 107 के बारे में बात करेंगे, तो 107 करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का 4, ठीक है। 108 का हो जाएगा फ्रेंड्स 1, 109 का हो जाएगा फ्रेंड्स 4, 110 का हो जाएगा फ्रेंड्स 1 और 111 का हो जाएगा 3, ठीक है। 111 का 3 हो जाएगा 630, 112 का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1 और 113 का हो जाएगा फ्रेंड्स 2, ठीक है। 113 का हो जाएगा 2 और 114 का हो जाएगा फ्रेंड्स कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। 114 का कितना हो जाएगा 4, 114 हो गया। 115 से देखेंगे हम लोग, लाइक 115 में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1, 116 का 4, 117 का 1, 118 का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 118 का हो जाएगा 4 और 119 का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1 और 120 का 1, ठीक है। अब बात करेंगे साइंस के क्वेश्चंस की, साइंस के क्वेश्चनों के बारे में बात करें तो 121 का करेक्ट आंसर 2, जो कि x1 > x2, ठीक है। उष्मा की एसआई इकाई कितनी है फ्रेंड्स 122 का करेक्ट आंसर 3, जो कि हो जाएगा किलो कैलोरी। 123 करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1, जो कि न तो अनुधर और ना ही अनुप्रस्थ। 124 करेक्ट आंसर 1, 10 - 10 माइक्रोन, सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एंगस्ट्रॉम पूछा गया है, एंगस्ट्रॉम पूछा गया तो -10 ही होगा। देखिए ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम होती है किसमें होती है फ्रेंड्स, 125 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2, जो कि जल में, ठीक है, अधिकतम होती है। निम्न में से कौन कौन जलीय ब्रायोफाइट है, तो 126 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मर्केंशिया पालमाटा। निम्न में से कौन सा कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है, 127 का करेक्ट आंसर होगा 4 रेफ्लिसिया। 128 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स 3, जो कि होगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 128 हो गया, 129 का करेक्ट आंसर हो गया फ्रेंड्स 129 का 2, ठीक है। वो पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, 130 का करेक्ट आंसर हो गया फ्रेंड्स 3, अंडाशय वर्तिका पुष्पाशन एवं वर्तिकाग्र। 131 का आंसर हो गया 2, जो कि 2Ag+2HClO और 2AgHCl+H2O, कौन सी रंगहीन गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है, 132 का करेक्ट आंसर हो गया 4Br2। 133 का करेक्ट आंसर क्या पूछा गया 2, जो कि हो जाएगा फ्रेंड्स 1N2। इनमें से कौन सा नाभिर नाभिक स्नेही योजक अभिक्रिया के लिए सबसे सर्वाधिक क्रियाशील है, 134 का 2 हो जाएगा। 135 का करेक्ट आंसर हो गया 3, जो कि केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 136 का हो जाएगा फ्रेंड्स 1 अवरक्त। 137 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 3, जो कि हो जाएगा 45 डिग्री। 138 का डेसिबल क्या है, डेसिबल आपको पूछा गया तो 2 हो जाएगा, एक वाद्य यंत्र है। किरचॉफ धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो 139 का करेक्ट आंसर 1, इनमें से कोई नहीं। देखिए एम द्रव्यमान के एक कण की गतिज ऊर्जा ई है, इसका संवेग क्या होगा, तो 140 का करेक्ट आंसर फ्रेंड 2, 1/2 ME। आयस्क कॉपर पाइराइट का सांद्रण किया जाता है, 141 करेक्ट आंसर 2, चुंबक
विधि के द्वारा 142 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 4-0 हो जाएगा। निम्नलिखित में से आईपीसी नेम पूछा गया तो बहुत सिंपल सा है, आईपीसी नेम पूछ दिया है, 143 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 जो कि 2 मिथाइल मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी यहाँ पर देखिए ऑक्सी ऑक्सी लगा हुआ है, मिथॉक्सी मिथॉक्सी ठीक है, ऑक्सी हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, 3-2 है तो प्रोपेन, 4 है कार्बन डाई, तो सॉरी फ्रेंड्स 3 है कार्बन तो लगे हुए, तो क्या हो जाएंगे ऐसा करके जाएगा, इसका ऐसा करके बनेगा, ये मिथॉक्सी ग्रुप है ठीक है, सिंपल सा है। 144 का क्वेश्चन क्या पूछा गया, 144 का क्वेश्चन देखते हैं, 144 का हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, 144 का हो जाएगा 14 जो कि ऐसा ही हो जाएगा, 145 का करेक्ट आंसर क्या पूछा गया है, 145 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 2 जो कि केवल डी, एक्स का मूल अंश इज इक्वल टू एनएक्स डिवाइड बाय एनवाई प्लस एनवाई ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, 3 विटामिन सी, पांच जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया नील हरित शैवाल को सम्मिलित किया गया था, 147 करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, 1 पादप में, निम्न में से कौन सा उत्तक है, तो 148 करेक्ट आंसर, 2 अंडाशय में, अंडजन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है उसका क्या नाम है, तो 149 करेक्ट आंसर, 3 जो कि हो जाएगा एस्ट्रोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हिप्पोकैम्पस है एक क्या है फ्रेंड्स, हिप्पोकैम्पस एक प्रोटो कार्डेट है, तो कैसा लगा वीडियो हमें जरूर कमेंट करके बताइए भाई लोग, और वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने से फायदा यह होगा कि आपको वीडियो के पीडीएफ मिलने रहेंगे और पीडीएफ मिलने के साथ साथ आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोग, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।